है, कैसे हुआ, उसके बाद हम देखेंगे जो चैतन्य महाप्रभु उनके जो बचपन के कुछ लीलाएं हैं वो जो है हम चर्चा करेंगे। तो हालांकि जो है ये आदि लीला में जो है इसका वर्णन आता है, अध्याय जो 13वां है आदि लीला चैतन्य चरितामृत, इसमें इसका वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जो है वो कैसे हुआ। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है वे बताते हैं कि कैसे, हालांकि उनको जो है नित्यानंद प्रभु जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं लिखने के लिए कि आपको जो है चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है या चैतन्य चरितामृत है वो लिखने के लिए बोलते हैं। तो हालांकि चैतन्य कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है बहुत ही वृद्ध रहते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको वृंदावन जाना है और जो है आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखना है। तो शुरुआत में तो उनको चिंता हो रही थी कि इतना सब कुछ कैसे मैं लिख सकता हूँ, या फिर इतने सारे अलग अलग जो लीलाएं हुई है चैतन्य महाप्रभु की कि वो सब कैसे मैं एकत्रित कर पाऊंगा। तो हालांकि जो है अलग अलग जो डिवोटीज ने जो है लिखा है वे जो है वो एकत्रित करके फिर उन्होंने कंपाइल किया। तो ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवत है और चैतन्य चरितामृत है। वैसे अलग अलग ग्रंथ हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक जो लीला है वो ज़्यादा डिटेल में दी गई है। हम देखते हैं कि जो चाइल्डहुड पास्ट टाइम है वे जो है वो चैतन्य चरितामृत में दी गई है ज़्यादा डिटेल। चैतन्य भागवत में जो है जो बाकी लीलाएं हैं, जैसे जो हम देखते हैं चांद काजी का जो लीला देखते हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है फर्स्ट जो हरनाम संकीर्तन जो रोड पर निकला था वो हम लीला देखते हैं। ऐसे कई सारे लीलाएं जो हैं बाद में की लीलाएं जो हैं तो वो जो है चैतन्य भागवत में अच्छी तरह से दी गई है, चैतन्य मंगल में भी दी गई है, हालांकि चैतन्य मंगल का नाम बदला गया बाद में। वैसे कई सारे लीलाएं अलग अलग ग्रंथों में है, लेकिन हम आज जो है थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, क्योंकि अगर यथांग सागर है जो भगवान की जो लीलाएं हैं, जैसे जो अनंत शेष है वे अपने अनंत मुखों से भी जो है भगवान का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाते हैं। वो चाहते कि और उनके पास मुख हो और किताब समय हो, इसके कारण वे और जो है भगवान मैंने बुक लगाया। के गुणगान कर सके। तो अगर आनंद शेष ऐसा बोल रहे तो हम लोग तो बद्ध जीवात्मा है, एक तो हमारे अंदर उतना जो है टेस्ट रुचि नहीं है पहली बात, तो दूसरी बात तो अगर रुचि भी है तो टाइम नहीं है। तो इस सब कंसिडर करते हुए जो है हम देखेंगे कितना अलग अलग लीलाएं जो है यहाँ पर हम वर्णन करने का प्रयास करते हैं, जितना भी पॉसिबल हो हम उतना करते हैं। तो ऑलरेडी आप में से कई सारे भक्त मायापुर जा चुके हैं, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो है हमने डिस्कस किए मे भी आपको याद आएगा, या फिर जब हम जो कुछ कथा या भी वर्णन करेंगे तो मे भी आप मायापुर चले जाएंगे मन से ना कि शरीर से। और हमारी चेतना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शरीर कहीं पर भी हो लेकिन हमारी चेतना जो है कृष्णमय होना चाहिए। ऐसे जो श्रील प्रभुपाद के कई सारे जो शिष्य हैं उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि किधर भी रहें, मे बी फॉरेन में रहें या भारत में अलग अलग जगह पर रहें, तो वहाँ पर भी रहकर जो है व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस बन सकता है। तो प्रभुपाद ने ये जो है अरेंजमेंट करके दी है हमारे लिए, ये अलग अलग जो मंदिर है, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जो इसको उनके जितने भी मंदिर है वो वैकुंठ है। तो वैकुंठ मतलब भगवान का स्थान है, वहाँ पर भगवान जो है अलग अलग सेवाओं में भक्तों को लगाते हैं और भक्त भी सेवा करते हैं। वैसे जो है इस कलयुग में जो है जब मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो मनुष्य जन्म प्राप्त करना जो है ये बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ मानव जन्म ऐसा बोला जाता है। और इसमें कई सारे लोग जो है वे जो है मंदिर में आते हैं, या फिर थोड़ा सा इंक्लिनेशन या उनका आकर्षण जो है भगवान के प्रति होता है, मे भी आध्यात्मिक के प्रति होता है, आध्यात्म के प्रति ना कि भगवान के प्रति। तो आध्यात्म के प्रति जो उनका आकर्षण होता है उनमें से हजारों में से उनमें से एक या दो जो है थोड़ा सा
इंक्वायरी करने लगता है भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में। तो उस ऐसे कई सारे हजारों में से जो इंक्वायरी करते हैं, जो अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, उनमें से कुछ ही लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं। तो जो भक्ति मार्ग में ऑलरेडी आए हैं, ऐसे हजारों में से एक व्यक्ति जो है वो भगवत धाम जाते हैं। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से हजारों में रहना है। इसमें कई सारे कैटेगरीज हमने अभी देखे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर बोलते कि दुर्लभ मानव जन्म, तो मानव जन्म दुर्लभ है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें इसमें हमारे इस मनुष्य जन्म को लगाना चाहिए कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा का श्रवण करने में जो है हमें अपना ये मनुष्य जीवन लगाना चाहिए। जो सबसे लास्ट जो है हम क्या करते हैं उसको लेते हैं, हालांकि बाकी सब जो है पहले हम करते हैं, लेकिन सबसे एंड में जो है कृष्ण कथा सुनने में या ग्रंथ पढ़ने में या फिर भगवान का नाम जप करने में हम लगाते हैं। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, अमाल की एकादशी है, तो आज के दिन जो है जितना हो सके उतना जो है भगवान की कथा, भगवान का नाम जो है, ये दो ही चीज़ें ज़्यादा करना है। तीसरा जो सबको मन पसंद है भगवान का प्रसाद, वो जितना कम ले सके उतना अच्छा है। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर हम गौर कथा या कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं तो वो जन्म जो है व्यर्थ गया। तो ऐसा बोला जाता है, अगर हम मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अगर राधा कृष्णा भजिया तो जानिया सुनिया विष खाइनो। तो आचार्य क्या बोलते हैं, अगर हम मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर हम राधा कृष्ण को भजते नहीं हैं या उनके बारे में सुनते नहीं हैं या उनकी सेवा या उनकी भक्ति नहीं करते हैं, तो हम जानिया सुनिया विष खाइनो, तो जानबूझकर विष खाने के समान है। देखिए, जानबूझकर तो कोई खाता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम नहीं करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, कथा नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो जानबूझकर हम विष खा रहे हैं। तो उसके अंदर हम जाएंगे ना, आप सबको पता ही है को विष क्या है। तो इसलिए जो ये सब जो है कलयुग की हालत देखकर चैतन्य महाप्रभु जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस कलयुग में आना है। ऐसे कई सारे अलग अलग कारण हैं इसके, जैसे हमने देखे कि कैसे भगवान आते हैं, तो उसके एक्सटर्नल कारण जो है वो आप सबको पता है कि नहीं, क्योंकि तो जिनको पता है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जैसे जो है भगवान आए हैं भक्तों की रक्षा करने, हाँ ऐसे कई सारे कारण आप सबको पता है। दूसरा कारण है कि जो असुर है उनको मारने के लिए, लेकिन कलयुग में उनको मारते नहीं है, चैतन्य महाप्रभु जो है उनको मारने नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु जो है अगर मारना चाहें तो सबको मारना पड़ेगा, अगर मारने निकले तो सबको मारना पड़ेगा। क्यों नहीं मार रहे, क्योंकि सभी लोग जो भी हम सब हैं सब असुरी हैं, ठीक है नहीं। इसलिए जो है उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता कि हम जो है सब असुरों को मारना है, तो यहाँ पर हम कोई जीवित नहीं रहते अब तक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि हमें असुरों को मारना है, जो के अंदर जो असुरी प्रवृत्ति है उसको मारेंगे और जो व्यक्ति है उसको शुद्ध करेंगे। उसके बाद जो है जो गोलो का प्रेम है वे जो है यहाँ पर ऐसे ही बांटने के लिए, हालांकि सबसे डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जो नवविधा भक्ति है उसमें सबसे लास्ट में जो है वो आता है कृष्ण प्रेम। जो हर रोज हम लोग सुबह बोलते हैं कि हमें नाम अपराध के बारे में उसके बाद जो है हम बोलते हैं कि हमें जो है ये 10 नाम अपराध से बचना है। जैसे आज एकादशी, कई सारे भक्त आज है ना मंदिर में मंगल आरती के लिए आए थे, तो वहाँ पर जो है उन्होंने सुना होगा कि हमें ये 10 अपराध से बच के रहना है। क्यों बच के रहना है, क्योंकि हमें शीघ्र अति शीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो उसीलिए जो है हमें ये अपराध अपराध मुक्त जो है हरिनाम लेना है, भगवान का जप करना है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वे जो है यहाँ आने की जब इच्छा थी उनकी, और उनके जो इसका कारण मेन कारण है कि जो भक्त है वे जो है भगवान से भी ज्यादा जो है खुश होते हैं। तो कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा नाम लेते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, है ना, मुझे भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन जो आनंद मुझे नहीं आता है वो इनको आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, वो देखने के लिए जो है भगवान को भक्तों के भाव में
आना था। सोचा अगर मैं उनके भाव नहीं लूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। अभी भगवान कृष्ण तो हमारा भाव तो नहीं लेंगे, कि हमारा भाव का अभाव है हमारे अंदर। इसलिए जो सबसे बेस्ट भाव जो है, सबसे उच्च कोटि का जो भाव है भगवान के प्रति, भक्ति का भाव जो है, वो श्रीमती राधा रानी के हृदय में है। तो वो भाव जो है भगवान कृष्ण जो है वो लेना चाहते थे। तभी भाव तो लेंगे, है ना। जब ऐसा सुना, उसके पीछे भी कई अलग कथा है, बहुत लंबी कथा है, तो कैसे जो है वे भाव लेते हैं। और जब भाव लेते हैं तो श्रीमती राधारानी को जब ये पता चलता है तो श्रीमती राधारानी थोड़ी चिंतित हो गई। बोले अगर ये ऐसा भाव लेके जाते हैं तो कहीं पर भी ये गिर जाएंगे, उनके शरीर को बाधा होगी, इजा होगी या फिर दिक्कतें होगी। तो इसलिए जो श्रीमती राधारानी जो है अपना शरीर जो है उससे जो है कृष्ण के शरीर को कवर कर देती है। इसलिए श्याम सुंदर कृष्ण जो है वो क्या बन जाते हैं, गौर सुंदर कृष्ण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो श्याम सुंदर है वो गौर सुंदर बन जाते हैं, क्योंकि जो श्रीमती राधा रानी है उनको पता था अगर अगर कृष्ण जो है अगर कोई पर्वत देख लेते हैं तो समझते कि ये क्या है, गोवर्धन है, और उसकी तरफ भागते जाएंगे। या अगर कोई नदी को देख लेंगे तो नदी देख लेंगे तो तुरंत वो क्या समझेंगे कि यमुना है, और उसकी तरफ जाकर उसमें छलांग मार देंगे। ऐसे तो कई सारे लीला देखते हैं हम, चैतन्य महाप्रभु करते हैं, और फिर भक्त जाकर उनको ढूंढ के वापस लेके आते हैं। ऐसे कई सारे लीला हैं। तो ऐसे ही जो है चैतन्य महाप्रभु जो है इस भौतिक जगत में अवतरित होने वाले हैं, और जनरली भगवान जो है ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचार कर सके, वहां से फिर जो एक बेस बनाते हैं। जैसे हम कृष्ण जब आते हैं तो वृंदावन जो है, हालांकि धाम में वृंदावन है, वो यहाँ पर लाकर जो है वो बेस बनाते हैं। वैसे ही नवदीप जो भी जो है वो भी इटरनल है, लेकिन वहाँ जो है वे राधा रानी, श्रीमती राधा रानी जो है वे इस नवदीप का जो है निर्माण करती है। उसके पीछे भी एक कथा है कि कैसे कृष्ण जो है विरजा गोपी के साथ जो है वे लीला कर रहे थे। जब श्रीमती राधा रानी को पता चला तो वे वहाँ गई, तो वहाँ पर जो है जो सुबल सखा है वो उन्हें रोक देते हैं, और रोकने के बाद जो है बोलते नहीं आप जा नहीं सकते अंदर, आप रुको इधर। लेकिन श्रीमती राधा रानी जब अंदर जाती है तब तक जो है जब आवाज आ जाता है तो विरजा गोपी जो है नदी के रूप में जो है विस्तारित या रूपांतरित हो जाती है। तब ये जब देखती है श्रीमती राधा रानी की कृष्ण जो है उन्हें ऐसा इधर उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए जो है नवदीप की स्थापना करती है। तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा की है इसके बारे में, कैसे नवदीप कैसे गिरा, उसके बाद जो है वृंदावन से कैसे कंपेयर किया गया, जो वृंदावन के 12 वन है या नविदा भक्ति है जो है वो कैसे हमने देखा था कैसे कंपेयर किया जाता है, या फिर मायापुर में जो है वो नविदा भक्ति भी प्राप्त होती है। अलग अलग जगह पर जो अलग अलग जो द्वीप है वो द्वीप में जो है अलग अलग वन से उसको कंपेयर किया गया है। चैतन्य महाप्रभु जो है वे जब पृथ्वी तल पर आने वाले हैं तो वो जो है भगवान जो है क्या करते हैं, एक टाइम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है सची माता और जो जगन्नाथ जी मिश्रा हैं ये दोनों जो है ऑलरेडी जो है चिंतित थे, उनके 8 जो 8 जो है पुत्रियां उनका निधन हो चुका था, और जो है विश्वरूप नामक उनका एक बेटा था, और अभी जो है वो और जो है भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हमें और कोई पुत्र प्राप्त हो भगवान की जैसे, या भगवान खुद जो है प्राप्त हो। जो सची माता और जो जगन्नाथ मिश्रा हैं वे सेम नंद बाबा और यशोदा थे, और कलयुग में जो है वे सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के रूप में आए। जब उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना का फल ये हुआ कि जो भगवान कृष्ण जो है सची माता के गर्भ में आ गए, और जैसे ही गर्भधारणा हुई तो उनका जो शरीर की कांति जो है वो कम्प्लीटली बदल गई। और ये देखकर जो है सभी आजू बाजू वाले जो हैं वे या फिर आश्चर्यचकित हो गए, और देखने लगे। हर रोज जो है अलग अलग प्रकार के लोग आते थे घर में, वो दिखते तो नहीं थे, आवाज आता था। कई बार सची माता जो है जगन्नाथ मिश्रा जी को बोलती थी कि देखिए जो है नूपुर का आवाज आ रहा है, छन 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 ऐसा आवाज आ रहा है। बोले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। बोले देखो वहां पर चल रहे लोग दिख रहे हैं, तो दिख नहीं रहे तो चल रहे हैं, चलने का आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है। तो ऐसा जो है कई बार होता था, क्योंकि भगवान वहां पर आए तो जो है
वे जो है सच्ची माता को प्रदक्षिणा कर कर वापस जाते थे। तो अभी 9 महीना हो गए, 10 महीना हो गए, 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, और अभी सब लोग चिंतित हो गए। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जो है चिंतित हो गए। फिर वे जो है नीलाम्बर चक्रवर्ती जो सची माता के पिताजी हैं उनके पास चले गए। और ये नीलाम्बर चक्रवर्ती जो है वो कौन थे, वे पिछले जन्म में जो है वे गर्ग मुनि थे, कृष्ण के मतलब कृष्ण लीला में गर्ग मुनि थे। तो उनको जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो तब उन्होंने बताया कि जो है ये बालक जो है साधारण नहीं है। तो उन्होंने पूरा डिटेल तो नहीं बताया, लेकिन वो बताया कि ये बालक जो है वे राह देख रहे हैं कि प्रॉपर जो मुहूर्त का वेट कर रहे हैं। तो बोले कुछ ही दिनों में अभी वो समय आने वाला है। एक्चुअली भगवान को जो है समय का वेट करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खुद अरेंज कर सकते हैं। या फिर अगर भगवान चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो सभी जो है जितने भी जो नक्षत्र हैं वो सब खुद ही अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, उनका भगवान को कौन मना करेगा। तो ऐसे जब वो घड़ी आ गई भगवान प्रकट होने की, तो सभी नक्षत्र जो है शुभ नक्षत्र में आ गए। और ऐसा कहा जाता है कि जब नवद्वीप में भगवान कृष्ण जो है अवतरित होने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उस समय जो है वो जो एरिया था पूरा नवद्वीप का तो मायावादी लोगों से भरा हुआ था, और ये लोग ऑलमोस्ट नास्तिक थे, भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं थी इनकी, और हर कोई व्यक्ति जो है वो जो है भौतिक कार्यों में जुड़ा था। जैसे जो है जो भौतिक चीजें होती हैं जैसे शादियां करनी है या फिर बाकी जो वाद विवाद करना है व्याकरण के ऊपर, क्योंकि उस समय नवद्वीप जो है वो जैसे अभी पुणे को बोला जाता था, अभी पता नहीं बोलते कि नहीं, जो विद्या च माहिर घर या फिर जो एजुकेशन हब ऐसा बोला जाता था। तो उस समय जो नवद्वीप को जो है एजुकेशन हब बोला जाता था, कई सारे लोग पंडित लोग जो वहाँ पर आते थे पढ़ाई पढ़ा पढ़ाते थे, और कई सारे विद्यार्थी जो है वहाँ पर आकर सीखते थे। तो इसके कारण जो है सभी लोग जो है बुद्धिजीवी बन गए थे, हालांकि जो है कृष्णमय बनना चाहिए लेकिन वो सब बुद्धिजीवी बन गए। तो वहाँ पर जो है ये लोग जो है क्या करते थे, उनके पास जो कुत्ते बिल्लियाँ होती थी उनका जोरदार शादियाँ करते थे, जोरदार मतलब लाखों रुपए खर्चा करते थे। सोचिए किसके लिए, कुत्ते बिल्ली की शादी के लिए। तो ऐसा वातावरण उस समय वहां पर था, लेकिन भगवान आ रहे थे। तो तब भगवान ने सोचा कि इनको जो है आने से पहले ही जो है क्या करें, भगवान के नाम में लगा दें। तो इसलिए जो है पूर्णिमा थी, लेकिन उस दिन जो है ग्रहण लग गया, तो ग्रहण के कारण सभी लोग जो है भगवान का नाम ले रहे थे। और उस समय जनरली ग्रहण में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज कुछ करने को नहीं चलता है तो नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उस समय जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोग भगवान का नाम लेने लगे, हरी 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 ऐसा बोलने लगे। हरे कृष्ण महामंत्र तब तो आया नहीं था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बाद में आए। तो तब जो है तो सभी लोग हरी 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 जो है बोलने लगे। तो ऐसे जो है सब लोग नदी के अंदर जाकर, गंगा नदी में जाकर जो है लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, घर में भी ले रहे हैं। तो ऐसे समय जब पूरा नवद्वीप जो है हरि नाम से गूंज उठा, तब जो है शाम के समय जो है पूर्णिमा के दिन शाम के समय भगवान कृष्ण जो है गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हो जाते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो ऐसे भगवान जो है यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है जैसे ही प्रकट हो जाते हैं तो ये समाचार जो है सभी भक्तों को पता चलता है। तो कई सारे भक्त होते हैं, तो ये भक्त जो है जैसे पता चला तो वो सब लोग आने लगे। जैसे अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी जो है सीता ठाकुरानी, श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी देवी, आचार्य रत्न उनकी पत्नी, ऐसे सभी जो है माताएं जो है वो आने लगे। आप सबको पता ही है किसी घर में अगर कोई जो संतान आ जाती है तो क्या करते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, कुछ चांदी या सोने के गहने लेके जाते हैं, और इतना ही नहीं कि इसके साथ साथ कुछ धान्य भी लेके जाते हैं, जैसे गेहूं का ग्रीन कलर का जो धान होता है ऐसा, अभी इस समय में जो है खेत में है, उसके बाद हल्दी या फिर अलग अलग चीजें जो है वो लेके जाते हैं, वो गिफ्ट देते हैं। ऐसा रिवाज है, एटलीस्ट ऐसी संस्कृति है कि जब भी किसी नवजात शिशु को देखने जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए।
और आपको अपने कैपेसिटी से लेके जाना है, ऐसा नहीं कि सोना ही लेके जाना है या चांदी लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं। कोई कपड़े लेके जा सकते हैं या दूसरा कुछ आप उसके लिए लेके जा सकते हैं। तो ऐसा जो है कि सब लोग आ रहे थे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे और एक कारण था, जो है सीता ठाकुरानी के जो पति है वो है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य भी जो है वे भी जो है एक कारण थे। अद्वैत आचार्य जो है वो क्या कर रहे थे, वे प्रचार कर रहे थे, और प्रचार कर रहे थे, इतना प्रचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इतना प्रचार करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भक्त नहीं बन रहा है। जब ऐसा उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, तो हताश हो गए। पूरा हताश होने के बाद जो है वे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो है सब कुछ छोड़कर, प्रचार छोड़कर, तो वो क्या करने लगे कि जो शालिग्राम शिला है उनको जो है तुलसी और गंगा जल से निवेदन करने लगे, आह्वान करने लगे कि कृपया करके आप जो है इस धरातल पर आइए और देखिए जो भौतिकवाद, जो नास्तिकतावाद जो है जो फैल रहा है उसे आप नष्ट कीजिए। तो वो भी एक कारण था कि अद्वैत आचार्य जो है, बाद में जाकर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नाड़ा, एक्चुअली उनका एक नाम नाड़ा भी था, तो बोलते हैं कि तुमने जो है मुझे बाध्य किया है यहाँ पर आने का। मैं तो शिव सागर पर सो रहा था, भगवान जो है अनंत शैया, जो अनंत शेष की शैया है उसके ऊपर जो है लेटे हुए रहते हैं हमेशा, और वहां पर आराम करते हैं, तो मैं तो आराम कर रहा था, लेकिन तुमने जो है मुझे वहां से उठाकर यहाँ पर बुला लिया, इसलिए मैं आ गया। ऐसे लीला, भगवान लीला करते हैं अलग अलग। तो वो भी एक कारण है कि अद्वैत आचार्य जो है वे उनको बुलाते हैं। तो उनकी पत्नी, हम देखे जैसे मायापुर गए थे, तो पहले जो है वो शांतिपुर में रहते थे, लेकिन बाद में जो है मायापुर में आए ना, श्रीवास आंगन जो है उनका वहाँ पर घर था, कि जो गंगा नदी है उधर ही पास में थी, तो वहाँ पर जो है वे जो है तुलसी माँ, जो तुलसी और जो गंगा जल से जो है शालिग्राम शिला का वर्षिप करते थे। तो वो ये कारण है। तो अभी जो है कई बाल जो लीला है वो देखेंगे हम। जब जो निमाई है, तो निमाई नाम भी जो है वे श्रीमती सची माता ने दिया था। एक्चुअली सची माता के 8 पुत्रियाँ जो हैं, जब वो उनका देहांत हो गया तब जो है वे थोड़ा सा नाराज हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भक्ति छोड़ दिया, भगवान का नाम छोड़ दिया, नहीं, उल्टा और ज्यादा उनकी आस्था जो है वो बढ़ रही थी। जितना कुछ दुख आ रहे थे उतना ही उनका आस्था, उनका भक्ति, उनका डिवोशन जो है भगवान के प्रति बढ़ रहा था। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे कई सारे दिक्कतें आएंगे हमारे जीवन में, कई सारे आएंगे, लेकिन उसके उससे जो है हमें हमारी साधना, हमारी भक्ति, हमारा डिवोशन जो है वो कम नहीं करना है, उल्टा बढ़ाना चाहिए। ये क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो है हम अभी क्या कर रहे हैं, हम भक्ति करते समय अगर बाधा आ रही है तो हमें और अच्छी तरह से भक्ति करना है कि वो बाधा दूर चले जाए। एक्चुअली कई सारे ऐसे भक्त हैं वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में बाधा आए, क्यों आए, क्योंकि हम और सिंसियर सीरियस बने। जैसे कुंती महारानी जो है प्रार्थना करती है कि ये भगवान आप जो है हमें मेरे जीवन में बाधाएं लाइए जिसके कारण मैं आपको हमेशा याद कर सकूं। क्योंकि जब कंफर्ट जोन आ जाता है तो हम भगवान को याद नहीं करते हैं, जब थोड़ा पैनिक जोन आता है तो हम याद करते हैं। जैसे अभी एग्जाम चल रहा है बच्चों का, 10th 12th का, है ना, अभी मंदिर में भीड़ ज्यादा लग रही है, लेकिन एग्जाम पेपर पेपर के दिन भीड़ लगता है, हाँ, उसके बाद सीधा रिजल्ट में, रिजल्ट आएगा उसी दिन, जब 1 बजे 2 बजे होता है तो सुबह सुबह सब लोग आ जाते हैं, तो ये पैनिक जोन होता है। तो लेकिन हमें कुंती महारानी से सीखना चाहिए कैसे हमें हमेशा पैनिक जोन में रहना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है भगवान को याद कर सके, और अल्टीमेटली भगवान देखेंगे हमको पैनिक जोन में रखना है, कंफर्ट जोन में रखना है, या और दूसरे किसी जोन में रखना है, हमारे लिए जो भी सुटेबल हो, हम भगवान का नाम लें या भगवान का स्मरण करने के लिए, तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमें आप जो है आपका रिमेम्बरेंस जो है हमें देते रहे। वैसे जो है यहाँ पर भी सची माता जो है वो हमेशा जो है भगवान की प्रति भक्ति उनका बढ़ रहा था, ना कि कम हो रहा था। अबे निमाय जो है नाम रखने के पीछे कारण भी है, अबे 8 पुत्रियाँ चली गई थी और अभी और ऐसा न हो, तो इसलिए जो है उनका नाम निमाय रखा था। अभी निमाय क्यों, क्योंकि जो नीम का पेड़ है उसके नीचे जो है उनका जो है प्राकट्य हुआ था। जब हम मायापुर गए थे योगपीठ में, तो योगपीठ जो है वहां पर नीम का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे जो है
गौरांग महाप्रभु या जो है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका एक नाम निमाई रखा। अभी निमाई जो नीम का पेड़ है उसके नीचे जो है वहां पर प्रकट क्यों हुआ, उसका पीछे भी कारण है, वो नाम भी रखने का भी कारण और एक है, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं वो जो है नीम के पेड़ पर नहीं आते हैं। बाकी पेड़ पे आ सकते हैं, जैसा इमली का पेड़ है ज्यादा आते हैं उधर, लेकिन नीम के पेड़ पर जो है जनरली भूत प्रेत नहीं आते हैं। तो इसलिए भी वो नाम रखा गया कि जो चैतन्य महाप्रभु है या चैतन्य है तो उसको जो है भूत भूत प्रेत की बाधा ना हो। और दूसरा जो है नाम रखा गौरांग। तो लोगों ने देखा कि जो ये बालक है इसका अंग तप्त कांचन की तरह है। तप्त कांचन है गौरांगी, मतलब जो राधा रानी है तो उनका शरीर का कलर कैसा है, तप्त कांचन। कांचन मतलब गोल्ड, तप्त मतलब जो तपा हुआ है ना, जैसा मेल्ट, जो मेल्ट हुआ है गोल्ड जो है, जब मेल्ट होता है तो जैसा उसका कलर होता है वैसा कलर जो है श्रीमती राधा रानी के शरीर का है, अंग कांति है। तो वैसा कलर जो है गौरांग महाप्रभु का वहां पर आ गया, इसलिए उनका एक नाम जो है गौरांग हुआ, जिसका अंग गोरा है वो। और कई लोग गौर हरि बोलने लगे, क्योंकि हरी कैसे हमारे काले हैं, लेकिन यहाँ पर हरी कैसे बन गए, गोरे बन गए, इसलिए जो है इनका एक नाम रखा गया गौर हरी। और नीलांबर चक्रवर्ती जो है उन्होंने उनका और एक नाम दिया उंगली देखकर कि ये बालक जो है ये पूरे विश्व का पालन करता है, तो इसलिए उनका एक नाम रखा गया विश्वंभर। तो ऐसे जो है उनके अलग अलग नाम रखे गए। तो ये नामकरण होने के बाद जो है कई सारे लीलाएं होने लगी। तो ये जो छोटा बालक था तब जो है रोता था, तो जनरली बालक सब रोते हैं, तो बालक को रुझाने के लिए समझाने के लिए जो है अलग अलग चीजें करते हैं माता पिता या आजू बाजू वाले लोग जो हैं, कई अलग अलग खिलौना ला के देते हैं या कुछ आवाज करते हैं जिससे कारण वो बालक ना रोए। तो यहाँ पर भी जो है बालक रो रहा था रो रहा था रो रहा था, कई सारे अलग अलग खिलौने दे रहे हैं, कुछ अलग 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 चीजें देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बालक रोना कुछ बंद नहीं कर रहा था। तो सडनली एक जो है स्त्री, उसने जो है भगवान का नाम लिया, हरी हरी क्यों नहीं, मतलब चुपचाप बैठता है। कई बार हम जो होता है तो अल्टीमेटली भगवान का नाम लेते हैं, बोले ये मतलब ये इस पीड़ा से या फिर इस दुख से कैसे निकले। जैसे भगवान का नाम लिया तो बालक शांत हो गया, सब लोग शांत हो गए, बोले अरे हरी हरी बोला तो शांत हो गया। तब से जो है ये सब लोग हरी 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 ऐसा बोलने लगे, और जैसे ही हरी हरी ये बोलना बंद करते थे बच्चों का रोना चालू हो जाता था। और जैसे बच्चे का रोना चालू हो जाता था तो इधर ये हरी हरी का कीर्तन जो है शुरू हो जाता था। तो जैसे हरी का कीर्तन शुरू हुआ यहाँ पर बच्चों का रोना बंद हो गया, तो ऐसे जो है चलता था। तो इसलिए जब भी अभी निमाई क्या करता था, जैसे ही कोई आ गए अंदर घर के अंदर देखने के लिए आते थे, क्योंकि आज गांव में कैसा होता दिन भर जो है अपना काम करने के बाद सुबह तो जो स्त्रियां हैं आ जाती थी, और निमाई इतना आकर्षित था, आकर्षक था, वो सबको आकर्षित कर लेता था। भगवान है, भगवान किसको आकर्षित नहीं कर पाएंगे, कृष्ण आकर्षित ही तो कर्षित ही कृष्ण जो दूसरों को आकर्षित करता है। तो ऐसे जो है जब आजू बाजू की स्त्रियां आ जाती थी तो जैसे ही वो अंदर आ जाती थी तो निमाई रोने लगता था, जैसे निमाई रोने लगता था तो घर में कीर्तन शुरू हो जाता था। तो देखिए कई सारे भगवान अवतरित हुए हैं, लेकिन ये भगवान जो है गौरांग महाप्रभु ये थोड़ा अलग है, जो हरिनाम जो है आते आते ही हरिनाम सबको चालू करवा दिए, ऐसा नहीं कि बाद में, पहले ही शुरू कर दिए हरिनाम। तो ऐसे जो है आजू बाजू वाले आते थे हरिनाम करते थे, जैसे थोड़ा निमाई जो है थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा इधर उधर चलने लगा, तो कई बार जो है कई सारे घर के अंदर अलग अलग जो है साइंस दिखने लगे, अलग अलग आवाज दिखने लगे, क्योंकि जो गौर हरि है निमा है उनका दर्शन करने के लिए कई सारे देवी देवता आते थे। सची माता जो कंफ्यूज हो जाती थी, बोले दिखते नहीं है आवाज तो आ रहा है, और जो है जो निमा है उनका प्रदक्षिणा करने का आवाज आता है और देख नहीं पाती थी लेकिन आवाज सुन सकती थी। तो ऐसे कई सारे लीलाएं होती थी। तो एक बार जो है शिवजी जो है वो आए, तो शिवजी जो है वो आ गए, और वो कैसे पूरा एकदम है ना भस्म लगा कर आते थे और जो है एकदम डरावने थे, और सची माता जो है क्या करती थी उनको भगा देती थी, बोले हमारा जो निमा है डर जाएगा तुम्हें देखकर, तो इसलिए आप मत आओ, तो ऐसा करती थी। लेकिन जो है निमाई जो है आगे बाहर जाते थे, बाहर जाता था क्योंकि भक्त आए शिवजी आए हैं दर्शन करने के लिए,
जाकर जो है बाहर जाकर जो है उनको दर्शन दे देते। ऐसे कई सारे लीलाएं हैं। तो एक बार जो है जो एक सांप जो है वो सांप वहां पर बाहर आ गया था, तो निमाय जो है जाता है और सांप को पकड़ लेता है। पकड़ लेता है तो सांप जो है क्या करता है वो राउंड सर्कल कर लेता है और वहां पर रुक जाता है। तो जैसे राउंड सर्कल कर लेता है तो निमाय जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। और ये सब कौन देख रहे हैं? जितने भी घर में थे या आजू बाजू में थे सब लोग देख रहे हैं। और अभी डर गए, अभी वो पास में जा नहीं सकते थे। अगर वो सोचे अगर हम जाएंगे तो सांप जो है वो निमाय को काट लेगा, और भी नहीं जाएंगे तो भी काट सकता है। वैसे कंफ्यूजन में थे। तो कुछ देर बाद जो है निमाय उड़ जाता है और सांप जब जाने लगता है तो वापस पकड़ लेता था सांप को, वापस पकड़ के खींचता था। और इधर सब बोलते थे छोड़ो सांप, निमाय सांप को छोड़ दो वो काट देगा काटेगा, लेकिन निमाय जो है वो जो है छोड़ता नहीं था। एक्चुअली आनंद सेठ जो है वो अपना सेवा जो है अर्पण करने के लिए वहां पर आए थे। अनंत शैया पे जो भगवान लेटे हुए विष्णु जो है, यहाँ पर भी जो है वो जो है सेवा करने के लिए आनंद से आए थे। और जो निमाय जो है भगवान जो है वे जो है वो आनंद उठा रहे थे और उनका सेवा जो है स्वीकार कर रहे थे। तो ऐसा जो है ये ऐसे अलग अलग लीला हो रही थी। एक दिन जो है जो आजू बाजू की जो स्त्रियाँ थी, तो थोड़ा निमाय थोड़ा बड़ा हो गया था, तो बड़ा होने के बाद जो है चलने फिरने लग रहा था, तो आजू बाजू की स्त्रियाँ जो है बोलने लगी निमाय अगर तुम नाचोगी तो तुम्हें हम संदेश देंगे। छोटा बालक है ना, कैसे बालक को कुछ खाने को दिया तो फिर वो लोग कुछ कार्य करते हैं। तो ऐसे जब यहाँ पर बोला गया तो निमाय जो है नाचने लगा, और इतना मधुर नाचने लगा। अभी छोटा बच्चा है उसको कहाँ इतना नाचने आता, लेकिन वो जो हरकतें थी नाचने की बहुत लुभावनी थी, आकर्षक थी। और ये देखकर जो है सभी जो आजू बाजू वाली स्त्रियां जो है वो आनंद उठा रही थी। और थोड़ी देर नाचने के बाद जो है फिर निमाय बोलता है दो मुझे संदेश। तो स्त्रियां जो है वो पूरा नहीं देती थी, वो संदेश लेती थी उसको आधा करती थी, बोले ए लो। तो मैं बोलता था पूरा दो, बोले और नाचो। तो फिर और नाचता था, फिर आधा संदेश देता था। तो इसको देखिए जो भगवान सबको विश्वम्भर, नाम उनका विश्वम्भर है, सबको खिलाने वाले जो है वो खुद नाच कर जो है किसके लिए नाच रहे? आधा संदेश के लिए नाच रहे। तो भगवान इसलिए जो है वो संदेश के भूखे नहीं है, तो भगवान के प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान जो है ये अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते रहते हैं। तो ऐसे जो है उसके बाद थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो तब जो है एक व्यक्ति जो है वहां पर आता है, ब्राह्मण आता है। और ब्राह्मण जो है जब घर में आता है तो सभी लोग सेवा करने लगते हैं उनके। और ब्राह्मण का एक नियम रहता है, वो किसी के घर में भी नहीं खाते थे। तो यहाँ पर जो है जगन्नाथ मिश्रा और जो बाकी सब जो है बोलने लगे कि आप ठीक है हम नहीं बनाते हैं, तो हम आपको इंग्रेडिएंट्स देंगे, ग्रोसरी लाके देंगे, तो आप बनाइए। तो बोले ठीक है। तो हालांकि वो बोलते कि नहीं है, मैं फल फूल खा लूंगा रहूंगा, लेकिन नहीं, बोले आप हमारे घर में आए हो हमें बुरा लगेगा, आप अतिथि हो वैष्णव हो, अगर हमें मौका मिला है, भगवान ने हमें मौका दिया है कि आपकी सेवा करना है। तो फिर ऐसा फिर वो बोले ठीक है, कन्विंस कर लेते हैं। बोले ठीक है आप ग्रोसरी दो हम बनाते हैं। तो गांव में तो गैस वगैरह नहीं रहता है, तो चूल्हा होता है, तो चूल्हा वगैरह साफ करके दिया। तो उसके बाद जो है जो ब्राह्मण है वे अपना कुकिंग करने लगे, राइस दाल सब्जी जो भी ऐसे सब चीजें उन्होंने बनाया। और बनाने के बाद जो है अभी भूख लगा रहे थे, भूख लगा रहे थे तो अब घंटी बजाकर जो है मंत्र बोल रहे थे। और जैसे मंत्र बोल रहे थे भगवान को आह्वान कर रहे थे कि आइए और आप क्या कीजिए, आप जो है स्वीकार कीजिए। जैसे ही बोले तो वहां पर जो है निमाय आकर खाने लगा। जैसे खाने खाने लगा तो देखा ब्राह्मण ने देखा कि अरे ये बच्चा जो है झूठा कर रहा है। तो बोलने लगे हाय हाय सब वेस्ट हो गया, जो भोग है अभी सब खराब हो गया। जैसे हाय हाय बोलने लगे तो तब आजू बाजू वाले जो है सब लोग आ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले देखो ये बच्चा जो है इसने सब कुछ भोग खराब कर दिया। और सब लोग गुस्सा हो गए, जगन्नाथ मिश्रा जी सची माता और सब लोग गुस्सा हो गए, बोले अरे निमाय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ब्राह्मण है हमारी अतिथि है, सेवा करना हमारा धर्म है, और तुम उस सेवा में बाधा डाल रहे हो। जब वही सब बोलने के बाद जो है सब उठाकर उसको जो है निमाय को लेके जाते हैं। और जो पड़ोस की स्त्रियां हैं बोले नहीं हम जो है अभी इसको साइड में रखेंगे, हमारे जो है सामने आंखों के सामने रहेगा तो अभी नहीं जाएगा। तो अभी जो जगन्नाथ मिश्रा जी माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि ये ब्राह्मण देवता आप जो है
क्या करिए और एक बार ट्राई कीजिए। तो ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं नहीं शायद मेरे नसीब में आज नहीं है, भगवान चाहते हैं कि मैं आज जो है पका हुआ अन्न न खाऊं, भगवान चाहते हैं कि मैं आज रूट्स एंड फ्रूट्स, कंदमूल या जो फल है वो खाकर आज का जीवन में जो दिन है मैं आज निकालूं। और यानी मैं थोड़ा लेट भी हो गया था, लेकिन बाकी सब जो है उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं आप क्या करो, आप जो है और एक बार ट्राई करो। तो ऐसा बहुत देर बाद जो है वो रेडी जाता है। तो ब्राह्मण बोलते ठीक है मैं और एक बार जो है मैं प्रयास करता हूँ। तो फिर से जो है पूरा जो चूल्हा जो है साफ किया जाता है, इधर अपने यहाँ पर तो ठीक है पानी मार दिया, वाइपर मार दिया, हो गया, लेकिन वहां पर जो है सभी जो गोबर होता है गोबर से जो है साफ किया जाता है। तो ऑलरेडी जो है शाम के समय आए थे तो कुकिंग करते समय वहां पर जो है थोड़ा लेट हो गया था, 9 के आसपास हो गए, और तब फिर जो है और एक बार कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग करते करते जो है बहुत लेट हो जाता है। और इधर जो है जो निमाय है तो उसके आजू बाजू में सब लोग रहते हैं, ना उसे सोने देते हैं ना कहीं जाने देते हैं। तो बहुत प्रयास करने के बाद जो है जो ब्राह्मण जो है वापस फिर से भोगा बनाता है, और फिर भी भोगा जो है भगवान को अर्पण कर रहा है, घंटी बजा रहे हैं, घंटी बजा कर जो है क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण हिताय गो ब्राह्मण हिताय जो है भगवान को बुला रहे हैं। क्या बोला, भगवान आइए और आप इस भोग को स्वीकार कीजिए। जैसे बोलते हैं तो निमाय वहां पर आ जाता है और भोग के सामने बैठकर जो है वो खाने लगते हैं। और ये देखकर जो है ब्राह्मण बोलता है हाय हाय, ऐसा बोलते हुए जैसे आवाज आता है तो सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग दौड़ दौड़ के आ जाते हैं, बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले निमाय यहाँ पर है, और सब लोग ढूंढ रहे कि भाई निमाय वहां पे था अभी यहाँ पर कैसे आ गया। वैसा जब बोले देव तो जगन्नाथ मिश्रा से छड़ी लेके आए, बोले ये नटखट बालक कब सुधरेगा, अभी इसे दंडित करूंगा मैं। वैसा जब वो मारने के लिए आ रहे थे तो सभी ने पकड़ लिया, जो सब बाकी बहुत सारे भक्त जो है वहां पर थे तो उन्होंने पकड़ लिया, और तो बोले कि नहीं नहीं आप तो दंडित मत कीजिए, वो छोटा सा बालक है उसे ना समझे, उसको क्या समझता है। बोले छोटा है लेकिन कितना बड़ा अपराध कर रहा है, जो ब्राह्मण है उनके जो है बाधा प्रसाद में बाधा ला रहा है। तो फिर भी जो है अभी जो स्त्रियां बोलती, देखिए जगन्नाथ मिश्रा जी हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, हम उसको लॉक लॉक कर देंगे, रूम के अंदर लॉक कर देंगे, और हम लोग पहरा बैठे, कुछ लोग अंदर रहेंगे कुछ लोग बाहर रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो ऐसा जब बोलते हैं तो तब फिर भी जो अभी इधर क्या बोलने लगे ब्राह्मण, देखिए 12 बज गए रात के, अभी रात को 12 बजे कौन कुकिंग करेगा रात को 12 बजे। जब जगन्नाथ मिश्रा बोले और एक बार करो, बोले शायद भगवान चाहते हैं कि आज मैं सिर्फ कंदमूल और फल खाऊं, अगर वो भी नहीं है तो पानी पीकर मैं सो जाऊंगा, अभी ये समय नहीं है कुकिंग करने का। लेकिन बहुत सभी सभी बोलते तो ब्राह्मण ना बोल देते, बोले नहीं। और उसी समय जो है विश्वरूप वहां पर आ जाते हैं। तो विश्वरूप जो आ जाते हैं और उनको देखने के बाद जो इतना उनका कांति जो है अंग कांति इतना इफलजेंस उनका जो देखने के बाद जो है वो ब्राह्मण पूछने लगते ये बालक कौन है। जब ऐसा पूछते हैं तो लोग बताते कि ये जो है जगन्नाथ मिश्रा जी का बड़ा बेटा है। तो ये ऐसा, और वो जो है सभी उनको पता चल जाता है विश्वरूप को कि निमाय ने ऐसा ऐसा किया है। तो फिर वो खुद आते हैं, विश्वरूप आते हैं, बोलते हैं कि ये ब्राह्मण देव तो आप कृपया करके और एक बार, मैं एक बार विनती करता हूँ कि आप और एक बार जो है भोगा बनाइए और भगवान को अर्पण कीजिए। तो मैं हम सब अभी ख्याल रखेंगे कि निमाय जो है वो क्या नहीं करेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, या फिर वो भोगा जो है उसको जो है नहीं खाएगा। तो ऐसा बोलने के बाद सभी लोग सतर्क रहते हैं, सभी लोग जो जगे रहते हैं बाहर से लॉक, कुछ लोग बाहर से लॉक करते हैं कुछ लोग अंदर से भी लॉक करते हैं, ऊपर का भी जो है ना लैच होता है वो लगा लेते हैं, अभी छोटा सा निमाय है वो कैसे ऊपर उठ रहा, या फिर बाहर से भी लगा दिया है और बाहर भी पहरेदार है, और उधर जो ब्राह्मण कुकिंग कर रहा है उसके बाहर भी मतलब किचन के बाहर भी जो है सब पहरेदार बैठे हुए हैं, और अभी सब जो है क्या कर रहे हैं तो पहरेदारी कर रहे हैं। और इधर जो है अभी ब्राह्मण मना नहीं कर पाए, सोचिए इतना मोहक व्यक्ति या बालक अगर बोल रहा है कृपया करके अब मेरे लिए जो है मेरा एक बार सुन लीजिए, मेरे लिए एटलीस्ट आप जो है एक बार कुकिंग कीजिए, ऐसा बोलने के बाद वो रेडी हो जाते हैं। और उस समय जो है उनको पता नहीं चला ब्राह्मण को मैं कैसे रेडी हो गया और मैं भी कैसे कर रहा हूँ, तो फिर से कुकिंग चालू किया, कुकिंग अच्छे तरह से चालू हो गया, सब हो गया, और अभी क्या हो गया सब रेडी होने के बाद वापस भोगा लगने का समय आ गया। तो भोगा लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं,
जैसे घंटी बजा रहे हैं तो थोड़ी देर में ही निमाई वहां पर आ गया। अभी अभी आप कोई सोचेगा कि अरे लॉक लगा लेता, बाहर से भी अंदर से लॉक किया था तो निमाई कैसे आ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जब कृष्ण प्रकट हुए थे और वृंदावन वृंदावन में जा रहे थे मथुरा से, तब क्या हुआ था, सब जेल के ऊपर सो गए थे और सभी दरवाजे जो है ऑटोमेटिकली खुल गए थे। तो वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पर हो गया। हालांकि प्रकट नहीं हुआ था लेकिन भगवान को बुलाया गया था वापस। ब्राह्मण भगवान को आह्वान कर रहे, भगवान को बुला रहे, तो भगवान को तो आना आना ही है। तो सब लोग सो गए, दरवाजे खुल गया और निमाई जो वहां पर आकर खाने लगा, तो अभी जोर से चिल्लाने लगा, ब्राह्मण बोले हाय हाय, फिर से सब कुछ वेस्ट हो गया। तो अभी जो है निमाई जो है बोला, अरे क्या चिल्ला रहे हो आप ही बुलाते हो और आप ही चिल्ला रहे हो। ऐसा बोलने के बाद तो ब्राह्मण कंफ्यूज हो गया, बोले मैंने कब बुलाया, बोले अभी प्रार्थना किसको बोला, अभी आह्वान किसको दिया, बोले भगवान को, तो मैं तो भगवान हूँ। तब जो है वहां पर उनको रूप दिखाया, बोले मैं भगवान हूँ। तो ये देखने के बाद तो पागल हो गया वो ब्राह्मण, पागल हो गया, बोले मैं क्या देख रहा हूँ। बोले शांत रहो निमाय, बोले शांत रहो अभी सुनो जरा। तो फिर जो है बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। और निमाय जो है बताते हैं कि ये ब्राह्मण कौन था, पिछले जन्म में कृष्ण लीला में जो है ये ब्राह्मण जो है कहाँ आया था, वृंदावन आया था, गोकुल आया था। तो एक्चुअली पहले कैसा था कि जो मायके से कोई आता था ना तो फेस्टिवल होता था, आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है, पता भी नहीं रहता कि मायके से कौन आया कौन चला गया। तो जो ये ब्राह्मण जो है वो मायके से, मतलब यशोदा माई के गांव से जो है वो आया था, और जब वो एक्चुअली यशोदा माता को अपने पुत्री के समान मानता था, तो इसके कारण जो है जब वो इधर आए थे तो उनके लिए यशोदा माता ने कई सारे अच्छे व्यंजन बनाए थे, उनको जो है अच्छा स्वागत किया था, अच्छा कुछ जो है प्रसाद जो है दिया था। तो सेम ये ब्राह्मण जो है वही इच्छा रखकर जो है यहाँ पर भी आया था, जो यशोदा माँ जो है सची माता के रूप में है यहाँ पर। तो तब जो है जो ब्राह्मण खुश हो गया कि मुझे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। तो फिर भगवान या फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि किसी को बताना नहीं है, अगर बताया तो देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो भगवान धमकी दे रहे उसको कि बोले किसी को नहीं बताना है, मैं भगवान हूँ, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि जब समय आएगा तो मैं रिवील करूंगा, अभी समय नहीं आया है। तो समय नहीं आया है तो ऐसा जब बोला तो बोले ठीक है, लेकिन वो ब्राह्मण बोला कि मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा, अभी नवदीप छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं हर रोज क्या करूंगा आऊंगा और आपका दर्शन करूंगा। बोले ठीक है, इतना अलाउड है, इतना अलाउड है, लेकिन किसी को बोलना नहीं कि मैं भगवान। तो फिर ऐसा जो है वर्णन होता है, तो फिर निमाय जो है वहां से चला जाता है, निमाय चला जाता है, और इधर ये ब्राह्मण जो है पागल हो जाता है, क्या करने लगता है, पागल होकर जो राइस है वो पूरा बॉडी को लगा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ बॉडी को लगा रहा है, फेंक रहा है, उसको रोल कर रहा है। सोचिए भगवान का साक्षात दर्शन हो गया, भगवान से बात किया है, तो पागल होगा ना व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसा जो है वातावरण वहां पर हो रहा था। फिर जो है थोड़ी देर बाद जो है सब आ गए, सब आ गए तो ये ब्राह्मण जो थोड़ा अपने आप को संभाल लिए, बोले नहीं ये अब सब अगर ऐसा करूंगा तो पूछेंगे क्या हो गया आपको, है ना, आप तो सब है ना आप गुस्सा हो रहे थे और अभी आप कम्प्लीटली अलग ही बन गए, है ना। कुछ भाई ऐसा अगर होता है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई बिहेव करता है तो लोगों को लगता है कुछ इसके सिर पे कुछ परिणाम तो नहीं हुआ है। तो इसे जो है ब्राह्मण फटाफट अपने आप को संवार लेता है, सब राइस को जमा कर लेता है, बोले सब कुछ अभी मैं बोले खुद सब हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं प्रसाद जो है ग्रहण करूंगा। तो ऐसा बोलने के बाद जो है ऐसे लीला जो है वहां पर होती है, और ऐसे कहा जाता है कि पूरे अगले पूरे जीवन भर जो है वहीं पर जो है वो ब्राह्मण रहता है। लेकिन जो है जब चैतन्य महापुरुष संन्यास लेते हैं तब वो नाराज हो जाता है, बोले मैं आया उनके लिए, अभी वो यहाँ से चले गए, लेकिन तब तक वहीं पर वो था वो ब्राह्मण। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो निमा है थोड़ा बड़ा होने के बाद जो है कई सारे नटखट लीलाएं करता है, कई सारे, जैसे अगर कोई जो लड़कियां हैं तो उनकी सेम एज की कोई पूजा वगैरह कर रहे हैं तो जो है निमाय जाकर बैठ जाता था जिनकी पूजा कर रहे हैं, तो बोले करो मुझे अर्पण करो, जो भी स्त्री लड़की हो तुमने जो भी लाया है मुझे तुम भोग लगाओ, अगर तुम मुझे नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हें जो है बूढ़ा कुसठ पति मिले जो,
और जो जिसकी ऑलरेडी कई सारे पत्नियां हो या तुम्हारी सौतन ऑलरेडी रहेंगे, तो ऐसा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। जब ऐसा सुनते हैं तो सब लोग डर जाते थे, क्योंकि निमाय ब्राह्मण था और ब्राह्मण का श्राप लगता है, तो इसलिए सभी लड़कियां जो हैं वो जो भी लाते थे पूरा निमाय को दे देते थे। और देने के बाद क्या करते थे, घर पे आते थे और सची माता को बोलते, माता जी माता जी, देखो आपका बेटा जो है हमें डराता है, बोलता है कि मैं श्राप दे दूंगा अगर तुमने जो ये भोग हमें मुझे नहीं दिया तो। ऐसा श्राप दे रहा, उसको बोलता था, तो सची माता बोलती, कौन सा श्राप? बोले, बोलते थे कि तुम्हारी शादी जो है एक बूढ़े से होगी, जिसके ऑलरेडी जो है पांच पांच छह छह पत्नियां होगी और हो हमारी सौतन होगी। तुझे फिर शाम को जब जो है या दोपहर में निमा जब घर जाता था तो सची माता डांटती थी, बोले ऐसा क्यों करता है तू, तू ब्राह्मण है, जगन्नाथ मिश्रा जी का बेटा है, तो ऐसा ये हरकतें अच्छी नहीं रहती हैं। तो निमाई जो है वो चुपचाप कुछ बोलते नहीं थे, अभी डांट खाना है, कुछ बोलेंगे तो और खाना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप बैठ जाते थे। इसके बाद उनके दोस्त जो है क्या करते थे, स्कूल जाते थे, और स्कूल से आने के बाद जो है जैसे घर आते थे जो है स्कूल बैग डाल देते थे घर के अंदर, है ना, बच्चे करते जाने लगे, खेलने के लिए जाना है तो है ना सोफा पे डाल दिया, बेड पे डाल दिया और भागे, खेलने के लिए भाग रहे, तो सभी जो है जाकर खेलने के लिए चले जाते थे। और जब खेलने के लिए चले जाते थे तो क्या खेलते थे, गंगा के पास जाते थे, और गंगा नदी में जो है कई सारे जो है ब्राह्मण या फिर जो अलग अलग लोग होते थे वो नहाते थे, वहां पर नहाते थे, कोई गायत्री करता था दोपहर का समय। तो ये निमाय और उनके दोस्त क्या करते थे, अभी कई सारे घाट होते हैं तो वहां पर कोई नहा रहा है तो क्या करते हैं, इधर जो नहा रहा है उसके जो कपड़े हैं वहां से उठाकर दूसरी जगह लेके जाते थे, उनके कपड़े जो है यहाँ पर डालते थे, तो ऐसा एक्सचेंज करते थे। जैसे कृष्ण जो ये कपड़े चोरी करते थे वैसे ये लोग क्या करते थे, इधर का उधर, उधर का इधर करते थे। इतना ही नहीं, जब कोई है ना ब्राह्मण गायत्री करते थे तो निमाय जो है वो पानी के अंदर जाते थे और पानी के अंदर जाकर जो है उनके पैर खींचते थे नीचे से। तो ऐसा जो है ये अलग अलग प्रकार के जो है नटखट लीलाएं जो है निमाय जो है करता था। और अभी जो है अभी क्या करते थे ये लोग जो ब्राह्मण है या फिर जो लोग थे जब ऐसा तकलीफ देते थे तो उठकर जो है वो लोग कहाँ जाते थे, जगन्नाथ मिश्रा के घर जाते थे। और अभी जैसे ये जाने वाले हैं तब तक इनके दोस्त सब आकर जो है मैसेज देते थे, बोले निमाय जल्दी जाओ, उठो जल्दी। बोले क्या हुआ? बोले वो जा रहा है कंप्लेन करने जा रहा है, तुमने उसको पैर खींचा था ना और कपड़े इधर को उधर किया था, तो वो कंप्लेन करने जा रहा है घर पे, जगह तुम्हारे पिताश्री को जो है कंप्लेन करने वाला है। जैसे ऐसा सुनता है तो वैसे ही जो है निमाय बाहर निकल के दूसरे रास्ते से घर के अंदर। अभी गाँव होता था, गाँव में कई सारे रास्ते होते थे घर जाने के लिए, सिटी में कैसे बहुत कम रास्ते होते हैं, गांव में कैसे बहुत सारे शॉर्टकट्स होते थे और बच्चों को सब पता रहता है किधर से आना है किधर से जाना है। तो निमाय जो है शॉर्टकट से जाकर पीछे से अंदर आकर बैठ जाता था, और जब उधर धूप इतना होता था कि वो दौड़ने में ही जो है सब कुछ बाल गिल सूख जाते थे, और निमाय जो है घर के अंदर बैठ कर आराम से अपना पढ़ाई कर रहा है। और क्या करता था, पढ़ाई कर रहे, जो इंक पेन होता था उसका इंक जो है वो हाथ को लगा कर रखता था या कुछ कुर्ते पे लगा के रखता था, इसका मतलब क्या है कि बहुत पढ़ाई किया ऐसे दिखाने के लिए, अगर पढ़ाई नहीं किया तो इंक कैसे लगेगा। तो जब वो व्यक्ति आता था कंप्लेंट करने के लिए, उधर जो है आपका बेटा देखो उधर हमें तंग कर रहा है, हमारे कपड़े बदल रहा है, इधर का उधर रख रहा है, हम गायत्री कर रहे तो नीचे से हमारा पैर खींच रहा है, तो फिर सची माता बोलती है तू तो अंदर ही बैठा है, तो आवाज देती है, बोले निमाय निमाय, तो आता है निमाय, बोले हाँ माँ क्या हुआ? बोले तुम गंगा नदी गए थे? बोले ऐसे ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं। हाँ मैं तो इधर ही बैठा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, देखो मेरे हाथ को कैसे इंक लगा है। तो ऐसा जो है ऐसे कई सारे जो है कहानियां बताते थे, सेम कृष्ण जैसा, है ना, आपको याद है कृष्ण को जो है पकड़ लिया था एक गोपी ने कि बोले तुमने अभी पकड़ लिया, चलो अभी रंगे हाथ पकड़ा है लेके जाऊंगा, तो कृष्ण बोलते छोड़ो है ना, सोच लो लेके जाने से पहले, तो जब लेके जाते तो पति बन जाते हैं, सॉरी हाँ बेटा बन जाते हैं, तो कृष्ण बोलते इस बार बेटा बनाओ अगली बार पति बनूंगा। तो ऐसे जो सेम लीला जो है यहाँ पर करते हैं। उसके बाद जो है थोड़ा जो स्कूल स्कूल में भी कई सारी लीलाएं होती हैं, स्कूल में जाते हैं जो शिक्षक जो टीचर है तो पढ़ाते थे व्याकरण पढ़ाते थे, और निमाई इतना एक्सपर्ट था एक पार्ट, मतलब भगवान ने ऑब्वियसली भगवान तो एक्सपर्ट ही रहेंगे, तो जो भी बताते थे एक बार में ही सब कुछ याद रहता था उनका, और वे जो है इतना बढ़िया एक्सप्लेन करते थे तो टीचर बोलते अरे निमाई तो बहुत होशियार है। तो कुछ दिनों बाद जो है निमाई को जो पहले मॉनिटर बना जाता है, उसके बाद जो है जो जूनियर है वो जूनियर्स को निमाय के अंडर डाला जाता है। अभी निमाय खुद एक ही क्लास में है
उस क्लास के अंदर भी जो है जिनको थोड़ा सा नहीं आता है तो उनको निमाई के अंदर डाला जाता है। और निमाई इतना अच्छा अच्छा तरीके से जो है एक्सप्लेन करता था, लेकिन सब कुछ कृष्ण के संदर्भ पर देते थे। निमाई जो है हर एक चीज में कुछ एग्जाम्पल देना है, हाँ कृष्ण का एग्जाम्पल देते थे, हमेशा कृष्ण का नाम देते थे, बोलते थे। तो इसके कारण जो है जो सीखे थे वो भी जो है कृष्ण का संदर्भ देकर ही वो सीखते थे व्याकरण को। तो ऐसे कुछ दिनों में जो एक्सपर्ट बन गए, और इतना एक्सपर्ट बन गए कि पूरे नवद्वीप में फेमस हो गए। बोले निमाय पंडित, पहले निमाय था, अभी निमाय पंडित हो गया। तो इसलिए जो ये नाम पंडित कब पड़ा, जब व्याकरण में एक्सपर्ट हो गए। और से जो है वो और एक कथा आती है, लंबी कथा है, बड़ी कथा है। केशव कश्मीर नामक एक जो है विद्वान होता है कश्मीर से, ऐसा कहा जाता है कि वो केशव नाम का कश्मीरी था। पूरे अलग अलग जगह में जाता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी है ना, जैसा पुणे यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर जो है जितने भी विद्वान रहते हैं उनको डिफीट करता था, उनसे प्रमाण पत्र लेता था कि बोले है ना आई एम डिफीटेड बाय केशव कश्मीर, ऐसा करके साइन करके वो जो है वैसा प्रमाण पत्र लेता था। और अभी नवदीप आने वाला है, ऐसा न्यूज जो है नवदीप में आ गया। अब सब लोग डर गए थे, बोले केशव कश्मीरी कश्मीर से लेके सबको जो है हरा कर आ रहा है, अभी कौन सामने जाएगा। अभी सब लोग डर रहे थे, इज्जत का सवाल था। नवदीप में है हम लोग, और हम लोग खुद को बहुत बड़ा बड़ा मास्टर समझते हैं, लेकिन अगर इसने हरा दिया हमको तो क्या होगा, तो ऐसा सोच रहे। पर एक ने बुद्धि लगाया, आइडिया दिया, बोले हम क्या करते हैं, जो निमाय ना निमाय, तो निमाय को बोलते कि उसके साथ जो है डिबेट करो, अगर हार गया, निमाय हार गया तो बोले अरे बच्चे को तो हराया है, अगर निमाय ने उसको हरा दिया तो क्या बोलेंगे, बच्चे ने हरा दिया, हम हमारी जरूरत नहीं है वहां पर। तो सोचिए मतलब ट्रिक क्या खेल रहे हैं, खुद को बचाने के लिए बोले निमाय को सामने कर रहे हैं। तो बोले ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो केशव कश्मीर जो आ गए, एक्चुअली वो तो ऑफिशियल डिबेट हुआ ही नहीं वहां पर। तो जब वो स्नान करके आ रहे थे उनके शिष्यों के साथ, तो देखा कि बीच में जो है निमाय का क्लास चल रहा था, अपने शिष्यों को बिठा कर जो व्याकरण का क्लास दे रहे थे। और फिर वहां पर जब आए तो वहां पर जो है उनको बताया, उन्होंने पूछा कि कौन है, बोले निमाय पंडित है, यहाँ का बहुत बड़ा व्याकरण तज्ञ है। तो बोले ठीक है। तो जैसे फिर जो केशव कश्मीरी वहां पर आए तो फिर वो बताने लगे मैं केशव कश्मीरी हूँ, ऐसा तो इंट्रोडक्शन दिया अपना। और बोले हाँ, तो निमाय बोले हाँ मैंने सुना आपके बारे में कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, तो फिर बोले आपकी विद्वत्ता मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले क्या आप गंगा नदी पर कुछ बोलेंगे, कुछ रचना करेंगे, तो बोले हाँ। तो ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली उन्होंने जो है स्लो श्लोक बोल दिए, फट 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 एकदम फटाफट फटाफट। तो ऐसे सारे स्कॉलर होते हैं, वो भी संस्कृत में, हाँ ऐसा नहीं कि मराठी में इंग्लिश में, ऐसा नहीं, तो संस्कृत में उन्होंने जो है पूरा 100 श्लोक गंगा का गुणगान किया। तो उसमें जो है निमाई ने जो है फॉल्ट निकाले, बोले अपना 30 जो है 32 31 जो श्लोक है उसके अंदर आपने जो है ना वो ये गलती कर दिया। तो ऐसा बोलने के बाद तो वो जो शौक हो गया, जो केशव कश्मीर शौक हो गया, बड़े 100 श्लोक का बोला उसमें इतने कम समय में, उसमें ये बता रहा है कि 31 श्लोका में जो है आपने ये गलती कर दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको शौक लगा और वो कुछ बोल नहीं पाया कि क्या बोल पाएगा, क्योंकि अभी उसको याद नहीं, कभी कभी ऐसा होता है हम बोल देते तो याद नहीं रहता हमको हमने क्या बोला है, वैसा भी होता है। तो उसने जो निमाय ने जो है पकड़ कर बराबर बोल दिया कि ऐसे ऐसा आपने बोल दिया है। तो ऐसा जो है बोलने के बाद जो है वो पूरा एकदम, और उनके जो शिष्य है जो निमाय के जो शिष्य है आजू बाजू में वो हंसने वाले थे, तो निमाय ने सबको रोका कि बोले नहीं मत हंसो, कि जो है ऐसा हंसना मतलब चुपचाप सबको चुपचाप बोला, क्योंकि वो तो शिक्षक है उनका सुन लिया। तो फिर जो है केशव कश्मीरी जो है गया घर, लेकिन नींद कहाँ आता है। तो केशव कश्मीरी जो है उसको नींद कहाँ आ रहा है, तो रात भर सोचने लगा भी ऐसे कैसे हुआ। और वो जो है जो सरस्वती माता है उनके वो जो प्रसन्न हुई थी, तो वो जो है सपने में आई रात को, बोले कि तुम किसको डिफीट करने जा रहे थे। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि अरे
तो केशव कश्मीरी जो है वो सरस्वती माता को बोलते हैं कि ऐसे कैसे, मैं आपका इतना भक्त हूँ तो आपका भक्त होकर तो मेरी हार कैसे हो सकती है। तो सरस्वती माता बोले कि तुम क्या बोल रहे हो, जो मेरे मास्टर है, मेरे मालिक है, तो उनको कैसे हरा सकती हूँ मैं। मैंने मदद किया है तुम्हें, कई बार किया है, लेकिन मैं जिससे जिनसे मुझे ये सब ज्ञान आता है, जो मेरे मालिक है, जो मेरे ईश्वर है, तो उनको मैं कैसे हरा सकती हूँ। केशव काश्मीर को पता चल गया कि जो सरस्वती है, जिनके जो आराध्य देवी थी, उनके भी ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, वो चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित है। तब जो है पता चल जाता है, फिर ऐसे ही जो है निमाय, जब ये पता चल गया सबको कि निमाय ने केशव कश्मीर को हरा दिया, पूरे नवद्वीप में जो है उत्साह मना गया। बोले अरे देखो छोटे हमारे बच्चे ने, क्या बोलने लगे नवद्वीप के पंडित, बड़े बड़े पंडित, बोले नवद्वीप का छोटा बालक जो है ऐसे बड़े हैं जो केशव कश्मीरी को हरा दिए। ऐसा जो है वहां पर सब जगह, और तब से जो है निमाय जो है और ज्यादा फेमस हो गया। उसके बाद कई सारे जो है लीलाएं आती हैं, उसमें हम देखेंगे और एक लीला देखेंगे। जगन्नाथ मिश्रा जो है वे कुछ दिनों बाद जो है उनका देहांत हो जाता है, और निमाय जो है जस्ट स्कूल में होता है थोड़ा सा जो है, तब जो है फिर जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख जो है वातावरण, दुख में वातावरण में होता है। तब घर चलाने के लिए जो है निमाय जो है वो स्कूल चालू करता है, मतलब उससे कुछ आमदनी हो स्कूल, मतलब घर के लिए। तब जो है फिर उसके बाद जो है वो शादी करने को बोलते हैं उन्हें, तो शादी करते हैं। जो लक्ष्मी देवी है वल्लभाचार्य की जो बेटी है, तो उनसे जो है निमाई जो शादी करते हैं और अपना स्कूल चालू करते हैं, और उसके बाद जो घर का ख्याल रखते हैं, तो तब तो थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। तो ऐसा फिर कुछ दिन चलता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी जो है, लक्ष्मी प्रिया जो है, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद फिर हालांकि वो दूसरा शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा शादी होता है उनका विष्णु विष्णु प्रिया के साथ। तो ऐसे ये होने लगता है। उसके बाद जो है फिर कई सारे अलग अलग लीला हैं। तो जो एक बार जो है जब कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन हो रहा था तो श्रीवास जो ठाकुर हैं, सेवा संगन में कीर्तन हो रहा था, तो सभी जो है भक्त जो है वहां पर आ जाते थे। अद्वैत आचार्य, मुकुंद दत्त जो है, श्रीवास ठाकुर जो है ना, वैसे गदाधर पंडित, ऐसे कई सारे जो भक्त वहां पर आते थे। और पहले दिन में होता था, जब दिन में कीर्तन होता था तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन बोले कि हम दिन में कीर्तन करते रात में सो रहे हैं, तो बेटर है कि हम रात को सोने के बजाय जो है हम क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। जनरली फिर क्यों सोना है ना, सोना ही नहीं है हमको। तो जब ऐसा जो बोलते तो सब लोग रेडी हो जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं बोलता कि अरे रात को तो सोने दो, है ना, दिन में तो कीर्तन कर ही रहे हैं हम लोग, तो रात को तो अटे सोने दो। तो ऐसा जो है ऐसा किसी ने बोला नहीं, सभी लोग रेडी हो गए, और सब रेडी होकर जो है क्या करने लगे कि अभी रात को भी हम कीर्तन करेंगे। जब ऐसा बोलने के बाद जो है सब लोग कीर्तन करने लगे, और फिर लोग जो एनवियस थे, जो ईर्ष्यालु थे, तो वो फिर अलग अलग चीजें करने लगे उनके, मतलब उनको डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, क्योंकि हालांकि उनको भी आना था कीर्तन में, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि उनके जो चित्त है, हृदय शुद्ध नहीं था, वो क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है उनको अलाउ नहीं करते थे। इसलिए जो इंटीमेट लोग थे, तो उनको ही वहां पर जो है परमिशन था आने के लिए। जब ऐसा हो रहा था, तब जो है एक दिन कीर्तन जो है हो रहा था, तो वहां पर चांद काजी के जो जो लोग हैं उन्होंने मुर्दों को तोड़ दिया। तो तोड़ दिया इससे ऐसा होने के बाद, और उनको डांटा गया भक्तों को, अगर आप फिर से कीर्तन करते हैं तो इसका बुरा परिणाम होगा। जब ऐसा बोले तो
सभी भक्त जो है, वैष्णव जो है, वो चिंतित हो गए और डरने लगे कि अभी अगर क्या होगा, क्योंकि उस समय मुस्लिम का राज्य था और अगर हम कुछ करेंगे तो, अगर हम कीर्तन करेंगे तो ये लोग हमको तकलीफ देंगे। जो जब चैतन्य महाप्रभु को समझा, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वे थोड़ा सा सबको बोले, वो शिवराज ठाकुर के पास आए, बोले क्यों डर रहे हैं आप, अगर मैं चाहे तो चांद कादी को तो कभी खत्म कर सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है। तो बोले आप चिंता मत करो, हम कीर्तन करेंगे। तो जब ये हो रहा था, जब ये कीर्तन हो रहा था उनके घर में, तो कई सारे ब्राह्मणों को भी अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो ब्राह्मण लोग भी जो हैं उनको अलाउ नहीं किया, बोले हम ब्राह्मण हैं, हम तो शुद्ध है ना, जाते से ब्राह्मण हैं हम लोग, लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहे थे। तो एक ब्राह्मण जो है वो जो है चैतन्य महाप्रभु को, जो निमाई पंडित था, उनको श्राप देता है। एक्चुअली निमाई पंडित जो है वो गंगा नदी से आ रहे थे और एक ब्राह्मण जा रहे थे, और ब्राह्मण जो है श्राप दिया, ब्राह्मण ने बोला कि तुम जो है भौतिक सुख जो है कभी भोगोगे नहीं, और यू नॉट एंजॉय मटेरियल हैप्पीनेस, ऐसा जो है श्राप दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु तो मन ही मन खुश हो गए, बोले मैं तो संन्यास लेने वाला हूँ, संन्यास ले तो भौतिक सुख की कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए जो है, तो और धनी लोग बोलते कि देखो ब्राह्मण ने श्राप दिया, इसके कारण जो है जो निमाय पंडित जो है वो सन्यासी बन गया और भौतिक सुखों का त्याग कर दिया, वो तो एक्सटर्नल रीजन हो गया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु खुद की इच्छा थी कि जो है उन्होंने देखा कि ये लोग क्या है नहीं सुन रहे हैं, तो जो है इसलिए ड्रेस बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सन्यास लेंगे तो लोग रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट देंगे मतलब उनका सुनेंगे, इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया। तो ये सब जो है हो रहा था। फिर जैसे सबसे पहला जो है आंदोलन जो हुआ वो अभी हुआ, जो हरिनाम हो रहा था तब अंदर हो रहा था, एकदम चार दीवारी के अंदर गेट बंद कर कर हो रहा था, लेकिन अभी जो है चैतन्य महाप्रभु बोले जितने भक्त है सब आ जाओ। अभी ये दोपहर का बात था, दोपहर में सबको अनाउंस कर दिया और शाम तक सबको इकट्ठा किया गया, सब मशाल लेके आए। तब तो लाइटिंग लाइटिंग कुछ नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं था, कुछ लाइट नहीं था, सब लोग मशाल लेके आए और सब कीर्तन पार्टी चलो, और सब कीर्तन करने लगे। और ये न्यूज गया काजी को, काजी को बोला गया कि जो वो निमाय है ना, निमाय वो कई सारे लोगों को लेकर जो है हमारे घर की तरफ, आपके घर की तरफ, महल की तरफ आ रहा है। तो बोले निमाय तो वो सोचे ठीक है थोड़ा बहुत कुछ लोग रहेंगे, तो सैनिकों को बोल दिया कि चलो आप सब रेडी हो जाओ ये कम को उनका मुकाबला करने के लिए। और जब ये काजी जो है वो अपने महल के ऊपर गए, देखा, देख कर पागल हो गया, पागल हो गया इन द सेंस कि इतने सारे लोग थे, लाखों लोग, इतने सारे मशाल थे और इतने सारे लोग, और अपनी सेना तो कुछ भी नहीं है। ये फर्स्ट टाइम जो है चैतन्य महाप्रभु ने सबको बाहर निकाला था कि चलो हम अभी रोड पर उतर कर जो है कीर्तन करते हैं, और सब कीर्तन करते 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 जो है वो काजी के महल के सामने आ गए और बोलने लगे चलो। फिर सब बाहर खड़े रहे, जो है चैतन्य महाप्रभु अंदर गए और उनसे बात करने लगे, और जो काजी है वो बोलने लगा अरे रिश्ते में तो मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, और सब रिलेशन बताने लगा कि ऐसा तुम्हारे पिता, ऐसा हम लोग एक साथ पढ़ते थे, और फिर हम तो एक स्कूल में थे तो हम दोस्त थे, तो अभी तो हम तुम्हारे चाचा हो गए, और कोई है ना भतीजा जो है चाचा को मारता है तो नहीं, हम तो रिश्ते में तो ऐसे है ना चाचा और भतीजा हो गए, तो हमारा रिलेशन तो प्रेम का होता है। और बोले कि आपको जो करना है करो, जो काजी बोलता है कि जो भी कीर्तन कर रहा है किसी भी वैष्णव को कोई तकलीफ नहीं होगा। बोले चैतन्य महाप्रभु जो है बोले कि ऐसे चेंज कैसे हो गया इसके अंदर, सब रातों रात चेंज हो गया। तब वो जी बताने लगा कल रात को जब मैं सोया था तो आपका जो भगवान है ना, आधा शेर और आधा मनुष्य, वो आए थे और मुझे बोले अगर मुझे मेरे भक्त को तकलीफ दिया तो देखो मेरे छाती पे बैठे थे, मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मुझे ऐसे धमका के चले गए, तो इसलिए मेरे को रिस्क लेना नहीं चाहता, तो आपको जो करना है करो। वैसे देखो इससे पता चलता है कि नरसिंह भगवान जो है हमारे जो है किसी भी बाधाओं में मदद करते हैं, तो कुछ किसी भी प्रकार की बाधा हो, तो इसलिए जो है हमें जब भी कोई दिक्कतें आती हैं हमारे जीवन में तो हमें नरसिंह भगवान का जो स्मरण करना है, तो भगवान का नाम लेना है, जितना भगवान का नाम लेंगे तो उतना ही हमारी समस्याएं जो है वो चली जाएगी। चैतन्य महापुर का जो पहला हरिनाम संकीर्तन जो है वो काजी के महल के ऊपर चला गया था। जैसे हम लोग है ना अभी गए थे मायापुर, तो मायापुर में देखा, हालांकि संकीर्तन नहीं किया उधर,
राजापुर से आने के बाद जो है चांद काजी, तो वहां पर दो पेड़ है, एक चंपा का पेड़ है और एक नीम का पेड़ है, दोनों जो है एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं। तो कई को बस में से दिखा है, कई लोगों को तो कई लोगों ने देखा नहीं, तो कई लोगों ने देखा है। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये लीला हो जाती है। उसके बाद जो है हम और एक लीला बताते हैं, उसके बाद हम तो जो चैतन्य महाप्रभु जो है, तो वे जो है जब संन्यास ले लिए, संन्यास के बाद जो है वो जितने भक्त थे उनको बोलते अलग अलग सेवाएं देते थे। चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को बोलते थे तुम यहाँ से कहाँ चले जाओ, बंगाल चले जाओ, क्योंकि वहां पर तो कोई होना चाहिए, अगर सभी इधर आ जाएंगे तो उधर तो कोई तो होना चाहिए। और बोले जा जा मैं नहीं जा सकता, तो वहां पर जो है नित्यानंद प्रभु आप जा सकते हो, क्योंकि आप गृहस्थ हो, गृहस्थ होकर जो है आप कहीं पर भी जाकर प्रचार कर सकते हो, मैं सन्यासी होने के कारण मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर जब जो है तब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इनका टीम दोनों को बोला था, एक्चुअली हमें जब प्रचार करते हैं टीम में जाना चाहिए, उनको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद होती है हमें। तो हरिदास ठाकुर हर रोज 192 माला करते थे, उसके बाद प्रचार करते थे। हाँ, ऐसा नहीं 16 माला किया बहुत हो गया अभी टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा कभी नहीं बोला। 192 करने के बाद प्रचार करते थे, है ना, बाकी चीजें अलग। तो जब वो चले गए, दोनों जा रहे थे, तो बेल बजाते थे। बेल बजाने के बाद जो है जब दरवाजा खुलता था तो सामने कोई दिखता नहीं था लोगों को, क्योंकि ये दोनों जो है दंडोत करते थे, पूरा साष्टांग दंडोत करते थे, और उनको निवेदन करते थे क्या बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, भजो कृष्ण शिक्षा करो, कृष्ण शिक्षा, तो आप भगवान का नाम लो, भगवान को वर्शिप करो, और जो शिक्षा है कृष्ण की तो उसका जो है सीखिए। तो ऐसा जब बोलते थे तो लोग जो है, अब इतना ह्यूमिलिटी, जो सोचिए कोई बड़ा व्यक्ति आकर आपके आपको दंडवत कर रहा है तो कौन ना बोलेगा। ऐसे कई सारे लोग जो है वे जो कृष्ण का नाम ले रहे थे, और ऐसा फिर जो है डेली और डेली रिपोर्ट करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि आप जो भी कर रहे हो उसका रिपोर्ट होना चाहिए, सुबह जो भी आपने किया शाम को रिपोर्ट आना चाहिए। तो फिर ऐसा करके शाम को रिपोर्ट देते थे, और फिर दूसरे दिन वापस फिर से चालू। तो ऐसा कुछ दिनों बाद जो उन्होंने देखा कि दो शराबी, शराबी बोल सकते हैं, दरोड़ेखोर बोल सकते हैं, गुंडे बोल सकते हैं, आतंकवादी बोल सकते हैं उनको, ये जो दो आतंकवादी है, आतंकवादी बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, जगाई और मदाई, तो ये दोनों जा रहे थे। दिन भर मटका हाथ में रहता था उनका, तब बॉटल नहीं मिलती थी शराब के, मटके में मिलता था, नेचुरल पूरा मटके में उनको शराब मिलता था, और वो हमेशा उनके हाथ में रहता था मटका, और शराब पी रहे थे और चल रहे थे। वो फेमस इसलिए थे, वो शास्त्र पढ़ते थे, ब्राह्मण थे, जगदानंद माधवानंद ऐसे जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए ये दोनों इतना पतित कार्य करते थे, और वो पतित कार्य कहाँ से ढूंढ के निकालते थे, वो शास्त्रों से ढूंढ के निकालते थे। शास्त्रों में लिखा गया है कि मांस भक्षण नहीं करना है, तो मदाई बोलता जगह है, नोट डाउन कर, क्या नोट डाउन करना है, बोले आज से मांस खाना है। बोला जाता था कि शराब पीना है ना अच्छा नहीं है या पाप है, तो बोलता था नोट डाउन करो, आज से शराब पीना है हमको। बोले जुआ नहीं खेलना है, जुआ करना है, बलात्कार नहीं करना है, बलात्कार लिखो, घर नहीं जलाना है किसी का तो लिखो घर जलाना है। तो ऐसा जो जो नहीं करना है वो जो है यहाँ पर बोलते थे करना है, और जो करना है शास्त्र पढ़ो लिखो ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, साधना करो बिल्कुल नहीं, सुबह मंगल आरती गाओ नहीं आएंगे, बोले जपा करो नहीं करेंगे, रीडिंग करो नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है जो करने को बोलते हैं जो है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करने को बोलते हैं वो करेंगे। तो ऐसा जो है ये जगाई और मदाई जो है लिस्ट बनाते थे, और बोलते थे हाँ आज के लिस्ट में क्या है, हाँ हमने इतने तक किया ये बचा है तो इसको भी करके जाएंगे, तो पूरा टास्क रहता था उनका, सोते नहीं थे वो पूरा करने के बजाय। बोले आज एक तो घर जलाएंगे, आज तो दारू पी के रहेंगे, आज तो एक तो बकरा खाएंगे, तो ऐसा जो है ये उनका प्लान रहता था। तो ऐसा ये जो लोग जो है ऐसा प्लान करते थे, और वो दोनों जो है चल रहे थे रास्ते से, और ये देख लिया नित्यानंद ने, और हरिदास ठाकुर बोलते अरे दीज आर द परफेक्ट कैंडिडेट्स प्रचार करने के लिए, तो ये तो प्रचार करने के लिए सबसे अच्छे लोग हैं, हरिदास ठाकुर ने मरना है क्या उनको प्रचार करके, है ना। और आज जब जैसा भी बात कर रहे थे तो आजू बाजू ने सुन लिया, बोले ये दोनों जो है जगह मदर को प्रचार करने वाले, बोले आप उनके पास जाओ ही मत, क्योंकि ये पागल लोग हैं, ये देखते नहीं कि कौन है क्या है, वो सीधा मार देते हैं। तो नित्यानंद बोले दीज आर द मतलब अरे ऐसे लोगों को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भगवान है क्या कौन है, पतित पावन है,
जितने पतित लोग हैं उनको भगवान से जोड़ना है, तो उनको ही ज्यादा कृपा होगी। तो देखिए, जो जगन्नाथ जी हैं उनको ही पतित पावन बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु उनको ही पतित पावन बोलते हैं। तो इसलिए कृपा किसके ऊपर ज्यादा होगा? जो पतित है। हाँ, पतित है ना, पतित कार्य नहीं करना है। तो पतित खुद को समझने वाला अंदर से, हार्ट में हमेशा जो है, कभी ऐसा नहीं सोचना कि हम सीनियर बन गए, हम बड़े बन गए हैं, अभी हम जो है 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं समझना है हमको। अगर 100 साल भी हो गया भक्ति में, तो समझना है कि हम आई एम द मोस्ट जूनियर पर्सन, है ना। रिसेंटली 2 वीक पहले एक कोट आया था परम पूज्य रामदास महाराज का, कि जो हाँ हमेशा खुद को जो है वो छोटा ही समझे, ना कि बड़ा समझे, तभी जाकर जो है हमारी प्रगति हो सकती है भक्ति में। तो हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है, हर रोज 192 माला करते हैं, वो जाकर किसको प्रणाम कर रहे हैं? किसको भी प्रणाम कर रहे हैं, जो नास्तिक है आस्तिक है सबको प्रणाम कर रहे हैं। बोले कि आप एक बार तो भगवान का नाम लो। नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु है। वो जाकर सबको दंडवत कर रहे कि अरे थोड़ा भगवान का नाम लो, उनको क्या जरूरत है, सोचिए। तो ऐसे जो है वे प्रचार कर रहे हैं। सबने बताया कि है ना उनके पास मत जाइए, लेकिन नित्यानंद प्रभु सुने नहीं, चलो। और नित्यानंद प्रभु जाकर बोले जगार मदाई को, बोले आप बहुत कितने अच्छे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं, तो आप जो है भगवान का नाम लीजिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम लेने के लिए बोलो, और ये भी थोड़ा सा पिए हुए थे तो थोड़ा मजाक कर रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसा अब देखते जनरली बाहर वाले लोग कैसा नाम लेते हैं, तो ऐसा लेने लगे, थोड़ा मजा आने लगा। लेकिन जब थोड़ा और ज्यादा फोर्स करने लगे तो गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, और जो है वो मटका लेके इन दोनों के पीछे भागने लगे। ये दोनों आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे वो जगह और मदाई भाग रहे हैं। अभी जगह और मदाई भाग रहे थे, वो ज्यादा भाग नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत पी रखी थी और वो हेवी थे, मोटे मोटे थे, इसी कारण ज्यादा भाग नहीं पा रहे थे। और हरिदास ठाकुर बोल रहे नित्यानंद प्रभु को, बोले तुम पागल हो, तुम ऐसे लोगों के पीछे पड़े हो। तो नित्यानंद प्रभु बोलते मेरे मास्टर पागल है इसलिए मैं ही पागल हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं पागल हूँ, मेरे मास्टर पागल है, उन्होंने बोला है तो मैं भी पागल हूँ। हरिदास ठाकुर बोलते कि अरे बाबा आज बाल बाल बजे हम लोग, इसके बाद आगे नहीं जाएंगे। नित्यानंद प्रभु बोलते क्यों नहीं जाएंगे? अगर उनके ऊपर कृपा हो गई तो प्रचार ज्यादा होगा। देखिए हमेशा देखिए, जो सबसे पतित व्यक्ति होता है अगर वो भक्त बन जाता है, फॉलन सोल अगर भक्त बन जाता है ना, तो प्रचार ज्यादा होता है। तो नित्यानंद प्रभु बोले ऐसे लोगों के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो फिर ऐसे चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जो है वापस मिलते हैं, तो मिलने के बाद जो फिर से नित्यानंद प्रभु प्रचार करना शुरू करते हैं। जैसे प्रचार करना शुरू करते हैं तो वहां पर जो मदाई जो है वो मटका जो है नित्यानंद प्रभु के सर पे फोड़ देता है। जैसे नित्यानंद प्रभु के सर पे मारता है तो खून आता है। ये देखकर जो एक व्यक्ति जो भागते भागते जाकर जो चैतन्य महाप्रभु को बोल देता है कि नित्यानंद प्रभु को मदाई ने मारा है, तो चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा हो जाते हैं, तो वहां पर तुरंत आ जाते हैं और बोलते चक्र 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 कर, तो सुदर्शन चक्र को बुला रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, बोलते कि आप क्या कर रहे हो, आप जिस कारण के लिए आए हो वो कारण ही डिफीट हो जाएगा, कि आप जो है लोगों को असुर को मारने नहीं आए, आप उनके हृदय के अंदर जो असुरी भावना है उसको मारने के लिए आए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, फिर अवतार का प्रपंच डिफीट हो जाएगा। तब फिर वो सुन लेते हैं और फिर जो है, और नित्यानंद बोलते कि जगह ने मेरी मदद की, मदाई को रोका कि बोले मत मारो। तो चैतन्य महाप्रभु जो है जगाई को आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करने के बाद जो है उसका जो पूरा जो है पाप पुनः चैतन्य महाप्रभु ले लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो गौर सुंदर थे वो आधा श्याम सुंदर बन गए, तो काला काला हो गया पूरा। जगाई देख कर एकदम आश्चर्यचकित हो गया, और मदाई के होश पूरा उतर गई, जो भी दारू पिया था सब उतर गया दोनों का भी। बोले क्या होगा रहा? तो मदाई बोलने लगा कि मुझे भी आशीर्वाद दो, हमने साथ में पाप किया है, साथ में है ना बकरे खाए, साथ में दारू पिया है हमने, साथ में जुआ खेला है, साथ में हमने घर जलाए हैं, तो कृपा भी साथ में मिलना चाहिए हमको। जब ऐसा बोले तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मदाई तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने मेरे भक्त को मारा है, वैष्णव अपराध किया है, अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसे मैं क्षमा नहीं करता हूँ। इसलिए हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें वैष्णव अपराध जो है वो नहीं करना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि ठीक है आप मेरे प्रति अपराध करो, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन कोई अगर व्यक्ति मेरे भक्तों के प्रति अपराध करता है तो वो मैं कभी सहन नहीं करूंगा। तो यहाँ से
हम देख सकते हैं कि मधाई के ऊपर जो है कृपा नहीं किया, क्योंकि मधाई ने जो है वो नित्यानपुर को प्रहार किया था। इसलिए जो है हमें भी सीखना है कि कैसे हमें भक्तों के प्रति बहुत दक्ष रहना है, अलर्ट रहना है, कभी भी जो है हमें उनके प्रति अपराध नहीं करना है। तो फिर अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी है, अपराध किया है तो सॉल्यूशन भी है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि जिनके प्रति आपने अपराध किया है उनसे क्षमा मांगो, अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो मैं कृपा करूंगा। वैसा बोले तो मदाई जो है वो जाकर नित्यानंद के चरणों में गिर जाता है, और नित्यानंद तो आदि गुरु हैं, दयालु हैं, तो वो उनको क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, और फिर वापस इसके पास आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, बोले कि मुझे नित्यानंद ने माफ कर दिया। तो जब ऐसा बोले तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है मदाई को आलिंगन करते हैं। तो आलिंगन करते हैं तो जब आधा श्याम सुंदर बने थे, जो गौर सुंदर थे, अभी पूरा श्याम सुंदर बन गए। गौर सुंदर जो है बने हैं अभी श्याम सुंदर, मतलब काले काले हो गए पूरा। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा पाप है वो सब कुछ मैंने अभी ले लिया है, तो अभी सब कुछ, अभी जो पाप है छोड़ दो, दारू पीना, मांस खाना, मारामारी करना सब छोड़ दो, और अभी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो ऐसा बोलने के बाद जो है जगाई और मदाई अभी बन गए जगदानंद दास, माधवानंद दास, तो उनका दीक्षा हो गया, और अभी वो जो है क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब अगर जाएंगे नवद्वीप में दो घाट है ना, जगदानंद घाट, माधवानंद घाट, तो दोनों जाकर वहां पर जो है भक्ति करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन उनके जीवन का बहुत हालत खराब हुआ। कैसे? क्योंकि जो लोग आते थे देखते थे कि ये जगह मदाई जिन्होंने हमारा घर जलाया था, जिन्होंने जो है हमें मारा था, अभी मौका है इसको मारे, तो क्या करते थे लोग, पत्थर लेते थे और मारते थे, फेंक कर जगह का सर फूट जाता था, पूरे शरीर पे जो है कई सारे जो है खून निकलता था शरीर से। तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते थे, बोले हमने इतना पाप कर्म किया है तो उसका फल जो है हमें अभी मिल रहा है। तो ऐसे जगह मदाई जो है वहां पर जो है रहे और अपनी भक्ति कंप्लीट करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु वही बोले कि जो भी अपराध करता है वैष्णव अपराध, तो जो भी पाप जो है चैतन्य जो जगह मदाई ने किया है, जो कालापन था पूरा चैतन्य महाप्रभु के शरीर में, तो कालापन जो है वो जो वैष्णव अपराध करता है उसके जीवन में आएगा, तो वो जो है चेतना जो है उस व्यक्ति के अंदर आएगा। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना है। ऐसे कई सारे लीला हैं, तो हम यहाँ पर विराम करें देंगे। तो ये हम देखते हैं कि न्यू ईयर जो होता है तो गौरब्ध, तो कई लोग 1 जनवरी को करते हैं, तो वो तो अपना जो क्या बोलते हैं उसे संस्कृति, या फिर जो भारतीय संस्कृति है या सनातन धर्म जो है वो 1 जनवरी को जो है वो न्यू ईयर नहीं मानते हैं। तो जो वैष्णव है उनका न्यू ईयर होता है गौरब्ध, मतलब गौर पूर्णिमा का दिन नया साल चालू होता है। अगर आप अपने कैलेंडर देखेंगे तो वहां से पता चलेगा कि कैसे न्यू ईयर शुरू होता है। तो इसलिए 7 तारीख को नया साल इस्कॉन का शुरू हो रहा है, वैष्णव का शुरू हो रहा है, तो नया साल है। तो फिर 1 तारीख को आप लेते हो, ठीक है, नहीं 2 तारीख से पालन नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट आप अभी ले सकते हो फिर से 7 तारीख को, तो अभी से प्लान कर सकते हो। आज से आपके पास 3-4 दिन है, तो आप प्लान कर